किसान आंदोलन को लेकर अब तक का बड़ा खुलासा ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा किसान आंदोलन के दौरान भारत की तरफ से ट्विटर को कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी। डोर्सी का यह दावा इस वक्त सनसनी मचा रहा है, लेकिन इसी पर सरकार का जवाब भी आया। डोर्सी के दावे के मुताबिक भारत सरकार की आलोचना करने वाले कई ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए कई बार कहा गया था। अब विपक्ष इस मामले को उछाल रहा है, मोदी सरकार पर हमलावर है। दरअसल यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की तरफ से ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी के इंटरव्यू की क्लिप शेयर की गई, जिसमें डोर्सी भारत सरकार को लेकर दावा करते दिख रहे हैं। YouTube चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को दिए गए इंटरव्यू की एक क्लिप है। इस इंटरव्यू को अब कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। YouTube चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान पिछले साल ट्विटर के बोर्ड से इस्तीफा दे चुके जैक डोर्सी से जब पूछा गया कि क्या कभी उन्हें विदेशी सरकारों के किसी दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसके जवाब में डोर्सी ने भारत का जिक्र कर कई बड़े दावे किए। जैक डोर्सी ने दावा किया भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने की कई सिफारिशें की गई। इसमें वो पत्रकार शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। डोर्सी ने दावा किया कि इस दौरान धमकी दी गई कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे या फिर आपके अधिकारियों के घरों पर छापेमारी होगी। एक लोकतांत्रिक देश भारत में ये सब हुआ, जैक डोर्सी ने अपने जवाब में भारत के अलावा तुर्की का भी नाम लिया। उन्होंने कहा तुर्की ने भारत की तरह ही ट्विटर को धमकी दी, इस देश की सरकार ने भी ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी, जिसके चलते अक्सर सरकार के साथ कोर्ट की लड़ाई चली है और ट्विटर को इसमें जीत मिली। ट्विटर के को-फाउंडर डोर्सी के इंटरव्यू की क्लिप शेयर करते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर लिखा, लोकतंत्र की जननी अनफिल्टर्ड। इसके बाद उन्होंने जैक डोर्सी के बयान को कोट करते हुए लिखा, किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार ने हम पर दबाव डाला, कहा हम आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे अगर आपने हमारे कहे का पालन नहीं किया। इस दावे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा डोर्सी के दावे गलत हैं। मंत्री ने कहा डोर्सी के कार्यकाल में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। चंद्रशेखर के मुताबिक 2020 से लेकर 2022 तक कई बार नियम तोड़े गए थे। केंद्रीय मंत्री ने बातचीत में क्या कुछ कहा जरा वो भी सुन लीजिए। डोर्सी वॉज द CEO ऑफ ट्विटर ड्यूरिंग अ वेरी वेरी डूबियस पीरियड इन ट्विटर्स हिस्ट्री। व्हाट ही हैज सेड इज एन आउटराइट लाई एंड आई हैव सेड दैट पब्लिकली एंड आई एम रिटरेटिंग इट अगेन। ट्विटर इज अ कंपनी दैट बिलीव्ड दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर इट टू कंप्लाई विद इंडियन लॉ। It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. That is point number one. Point number two, I just want to refresh Jack Dorsey's memory and certainly all your viewers that between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times. And it was in non-compliance several times during those two years. And it started complying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided. And so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids and arrests. Third point, that Twitter now, it is there now in public domain that Twitter during this period was not only partisan, was behaving in an absolutely arbitrary manner, and the Twitter files that have then come out after Jack Dorsey sold Twitter has exposed Twitter to be a platform that abused its power, misused its power, and de-amplified many people, as in muted their voices, de-platformed many people, as in permanently took them off Twitter, totally in violation of Article 14 and Article 19 of our Constitution. And they did this in India, they did this in the US. And this information is now available in the public domain for everybody to read and see. And therefore, we have always maintained, the government of India has always maintained that our objectives are to ensure that the internet is safe and trusted.
that every intermediary like Twitter, foreign or Indian, big or small, must be always compliant with Indian law. And our laws have very clear provisions about weaponizing of misinformation, which is what Twitter did during the entire period of 2020, where they weaponized misinformation against the Indians and the government of India. दरअसल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसका मानना है कि भारतीय कानून का पालन करना उनके लिए आवश्यक नहीं है. उनका मानना था उन्हें भारतीय कानून का पालन नहीं करना है. जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उन्होंने अपने नियम बनाए. भारत सरकार शुरू से ही भारत में काम करने वाली सभी कंपनियों के लिए बहुत स्पष्ट रही है कि उन्हें हमेशा भारतीय कानून का पालन करना होगा. ट्विटर पर कई बार कंटेंट मॉडरेशन को लेकर आरोप लग चुके हैं. ट्विटर डील के बाद जब एलन मस्क ने कंपनी की कमान संभाली तो उन्हें उस वक्त की पॉलिसी हेड विजया गार्डे को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया. यहां तक कि डील के दौरान भी कई बार कर्मचारियों से बातचीत के दौरान मस्क ने विजया को टारगेट किया था. जैक डोर्सी के वक्त से ही ट्विटर में पॉलिसी हेड विजया गार्डे ही थी. यहां तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को बैन करने का फैसला भी विजया ने लिया. ट्विटर उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिसने राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने का फैसला लिया. वहीं डोर्सी ने 29 नवंबर 2021 को ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दिया. हाल ही में उन्होंने एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो काफी हद तक ट्विटर जैसा है. जैक ने ब्लू स्काई को iOS पर लॉन्च किया है. ये ऐप ट्विटर का ही रीब्रांडेड वर्जन लगता है, लेकिन इसमें डोर्सी ने डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट यूज किया है. यानी ये ऐप एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. जैसे ही ट्विटर पर जैक डोर्सी का वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, वैसे ही जैक डोर्सी और किसान आंदोलन अलग अलग नामों से ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा. आपको बता दें 2021 में भारत सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ. अंत में सरकार ने उसको वापस लिया. राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर इस बिल के खिलाफ हजारों किसान जमा थे. महीनों तक उनका आंदोलन चला. मोदी सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान करीब एक साल तक जमा रहे, जिसके बाद नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया. इस दौरान सरकार ने माना कि वो किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब नहीं रही. इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान सरकार की जमकर आलोचना हुई थी. मुद्दा ट्विटर का भी था जो एक बार फिर से बाहर निकल आया है. अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी. अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर. अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर.